So we are working on two-dimensional arrays. I will try to go through as much of it as possible, क्योंकि आज आज शाम को हमारी एक मेकअप क्लास है जिसमें हमने बेसिकली आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, विच विल बी गोमुखो. मैं बताता हूँ एंड में कि गोमुखो गेम क्या है. But let me go through this these multi-dimensional arrays. Okay. So what is the multi-dimensional array? Single dimensional array का आपको पता है. Multi-dimensional array क्या होती है? It's actually d-dimensional array. यानी अगर मैं कहूँ कि d-dimensional की array बना रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास d minus one dimension की उसके अंदर arrays पड़ी हैं. कुछ समझ आया मैंने क्या बात की? मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर मैं टू डायमेंशन की बात करूं तो एक्चुअली इट इज एन अरे ऑफ सिंगल डायमेंशन अरेज. डज इट मेक सेंस? सो व्हाट इज अ डी डायमेंशन, व्हाट इज अ थ्री डायमेंशन अरे? थ्री डायमेंशन अरे इज एन अरे ऑफ टू डायमेंशन अरे, ठीक है. वेयर एज व्हाट इज अ टू डायमेंशन अरे? इट इज एन अरे ऑफ वन डायमेंशन अरे. डज इट मेक सेंस? सो अ डी डायमेंशन अरे इज ए is an array of d minus one dimensional arrays. Does it make sense? That's the basic definition. Okay? So, how to create a two-dimensional array? उससे अपन काम बात करते हैं. क्योंकि three-dimensional array मैंने कभी भी नहीं बनाई. शायद अगर आप मुझे शायद नहीं यकीन है आप जब मशीन लर्निंग में काम कर रहे होंगे तो आप three-dimensional में शायद काम करें और शायद फोर डायमेंशन में भी बात करें जब हम वीडियो प्रोसेसिंग की बात करेंगे. वीडियो प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि व्हेन द टाइम इज आल्सो इन्वॉल्वड. ओके, सो थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड और उसके अंदर हर टाइम के ऊपर आप इससे आगे आई डोंट थिंक सो कि हम जाते हैं, ठीक है. बहुत ही रेयर सिनेरियोज होंगे जिसमें आप अभी काम करेंगे. सो हाउ टू क्रिएट ए टू डायमेंशनल अरे? बहुत बुरा नजर आ रहा है यहाँ पे. सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन थ्रू नोटपैड. तो टू डायमेंशनल अरे को यहाँ पे बनाने का तरीका क्या होता है? आप कहते हैं यहाँ पे टाइप, यहाँ पे आप नाम लिखते हैं इसका, यहाँ पे आप पहली डायमेंशन का साइज देते हैं, ठीक है. सो ये साइज बेसिकली क्या बताता है? ये बताता है, अब जो पहला साइज बताने लगा कि मेरी डी माइनस वन डायमेंशन की कितनी अरेज होंगी. मतलब ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइव कहता हूँ, लेट्स से ये टू डायमेंशन की अरेज है, तो इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि इसके अंदर पांच रोज होंगे, ठीक है. और उसके बाद हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 10, और इस 10 का मतलब क्या है कि हर एक रो में कितने एलिमेंट्स होंगे? 10 एलिमेंट्स होंगे. डज इट मेक सेंस? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड की बात कर रहा होता तो इसका मतलब है कि आई हैव टू डिस्क्राइब थ्री डायमेंशंस. ओके, सो ये क्या बता रहा है? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 by 10 by let's say 3 कर देता हूं, इट्स अ थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड. ओके, व्हाट इज इट टेलिंग मी? इट्स अ क्यूब ऑफ 5 by 10 by 3. ओके, वेयर व्हाट इज, सो हाउ डू आई डिस्क्राइब इट? कि इट हैज 5 two-dimensional worlds. ओके, वेयर एवरी टू डायमेंशनल वर्ल्ड हैज हाउ मेनी रोज? 10 रोज. एंड एवरी रो हैज हाउ मेनी कॉलम्स? 3 columns. Does it make sense? That's how you describe it. So, for example, look at this example. So, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक एंट टू डायमेंशनल वर्ल्ड है 4 by 3, तो अच्छा, you should visualize two-dimensional world like this. Okay? Two-dimensional world की तस्वीर बनाई है. 3D की अगर मैं तस्वीर बनाऊंगा तो वो क्या होंगे? वो faces होंगे. ठीक है? इसके पीछे एक और पड़ा हुआ, इसके पीछे एक और पड़ा हुआ, इसके पीछे एक और पड़ा हुआ. Does it make sense? ठीक है? तो ये आपके सामने तस्वीर है, वो 3 by 3 की है. This is row indices and these are column indices. Okay?
अगेन जिस तरह इंटीजर रे होती है वो जीरो इंडेक्स से शुरू होती है, इसमें रो का इंडेक्स भी जीरो से शुरू होता है और कॉलम का इंडेक्स भी जो है वो किससे शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। डज इट मेक सेंस? ठीक। और इस एंट्री को, द फर्स्ट एंट्री इज एक्चुअली कॉल्ड जो भी अरे का नाम है जीरो जीरो, और ये क्या हुआ जीरो वन, और ये क्या हुआ जीरो टू। डज इट मेक सेंस? फिर इस तरह से वन जीरो वन 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 टू 2 0 2 1 2 2 and so on so forth. Does it make sense? Good. Ek two dimensional array ko initialize kar sakte hain aur isi tarah ye aage aap three dimensional mein bhi baat kar sakte hain, four dimensional mein bhi baat kar sakte hain. Theek hai, so look at this, how it is being initialized. So let's have a phone zyada karta hu, just look at this. What is this telling me? It has five rows and every row has three columns. Okay? The first row has been initialized like this. Okay? Yeh puri bracket hai. Aur uske andar aap dekhe toh maine kya kiya, humne kya kiya hua hai? Humne ek ek row ko alag alag initialize kiya hua hai. Does it make sense? To yeh humne kaha 0, 1, 2 store hai, phir 1, 6, 4 store hai, phir 4, 2, 9, 5 store hai and so on so forth. Okay? एक दो तीन चार पांच, हर वैल्यू को हमने निश्चित किया। अच्छा बात है, अगर मैं यहाँ पर 1 6 लिखूं, 4 ना लिखूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, वो 1 6 0 से निश्चित हो जाएगा, ये बात समझे? तो अगर मैं सिर्फ ये वैल्यू लिख दूं और बाकी सारी 1 कर दूं, इसका मतलब क्या है? सॉरी, द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी इनिशियलाइज्ड टू 0, ये बात समझे? अगर मैं यहां ना इनिशियलाइज करूं तो क्या हुआ? गार्बेज वैल्यूज। अगर मैं सिंपल एम्प्टी ब्रैकेट से इसको इनिशियलाइज करूं तो क्या हुआ? ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। I hope everybody understands. ठीक है, so look at this. What will this initialize to? जी बताइए जी। पहली बात, you should get a shock कि ये syntax ठीक भी है या नहीं, ये बताएं मुझे। हाँ, कॉलम तो 2 है, रोज 3 है, और इसको इनिशियलाइज मैंने सिंगल डायमेंशन की तरह किया हुआ है, ये क्या बात है? ये तो बड़ी अजीब सी बात नहीं है ना? एक्चुअली दिस विल बी होना भी लॉजिकल रहना चाहिए। क्यों लॉजिकल रहना चाहिए? क्योंकि हम 2 डायमेंशनल रेकॉर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगल डायमेंशनल रेकॉर्ड तो नहीं कर सकते। ओके, बट सी प्लस प्लस विल अलाउ यू। वाई इट विल अलाउ यू? बिकॉज एक्चुअली आपको सी प्लस प्लस पीछे बैकग्राउंड पे एक धोखा देती है, और धोखा क्या है कि आपको दिखाती ऐसे है कि जैसे 2 डायमेंशन की तरह हमने स्टोर किया हुआ, लेकिन बैकएंड पे वो स्टोर करती है एज ए सिंगल डायमेंशन। ओके, बैकएंड पे स्टोर करती है कैसे? एज ए सिंगल डायमेंशन। मतलब ये तो मेरे ख्याल में आपको सबको समझ में आ गया। लेट मी ट्राई टू make you understand this. So, अच्छा बात है, ये for example इस example को देखें, क्या store हुआ उसके अंदर? ये 5 by 3 की हमने array बनाई है, थोड़ा मैं font बड़ा करता हूँ। Can anybody tell me कि ये code क्या initialize करेगा? हाँ जी बताएं, 5 by 3 की array, पहले ये क्या value बता रहा है? There how many rows है? 5 rows. Every row has how many columns? 3 columns. Okay? हाँ जी बताइए, क्या निश्चित करेगा? पहली सारी रोज 0, दूसरी sorry? Yes, पहली एंट्री 0, बाकी सारे 0 0 होंगे। पहली एंट्री 1, बाकी सारे 0 0 होंगे। फिर ये पहली एंट्री 3, बाकी सारे क्या होंगे? 0 होंगे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, यू कैन एग्जीक्यूट इट एंड सी के सही आ रहा है नहीं आप। ठीक है, यहां पे जो कोड लिखा हुआ है इसके अंदर आप देखें तो यहां पे एक ये आमतौर पे जब हम इसको आइट्रेट थ्रू करते हैं तो नेचुरल लूप से करते हैं। ठीक है, इफ इट बी ए 2 डायमेंशनल अरे यू विल नीड हाउ मेनी नेस्टेड लूप्स? यू विल नीड 2 नेस्टेड लूप्स। ओके, ये बात समझ आई? पहला लूप होगा रो पे चल रहा होगा, दूसरा होगा कॉलम पे चल रहा होगा। अगर आप आउटपुट करना चाहते हैं इस अरे को रो बाय रो, ओके, तो ऊपर वाला लूप लगेगा ईच फॉर ईच रो, और फिर क्या होगा, इस रो के लिए आप इस हर एक कॉलम पर जाए।
डज इट मेक सेंस? ठीक है, और उसकी जो भी एंट्री बनती है वो जाके आउटपुट कर दे, ठीक है? तो यू कैन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड सी कि आउटपुट क्या आ रही है, ये आउटपुट आ रही है, ठीक है? एंड आई होप इट मेक सेंस टू यू, डज इट मेक सेंस? ऑल राइट, एंड आई होप दिस मेक सेंस टू यू एज वेल। ये क्या करेगा बता, ये 4x3 की अरे बनाएगा, और ये हमने इससे निकलाइज किया जीरो से, सारी वैल्यू जीरो से निकल देंगे, और हमने कहा कि इसकी 1, 2 पे जाके क्या रख दो, 3 रख दो, और हमने यहां कहा 0, 0 पे जाके क्या रख दो, 9 रख दो। तो वो दो एंट्रीज आपको जो रेड नजर आ रही है वो बेसिकली अपडेट हो जाएंगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑल राइट। आप इमेजिन करें कि ये जो 2 डायमेंशनल अरे हमने बनाई थी 4x3 की, 4x3 की, सवाल ये है कि ये 0, 5 पे जाके 6 रखना है, तो ये एरर नहीं होगा। हमने कहा 0, 5 पे जाके 6 रख दो, कितने बाय कितने की अरे हमने बनाई है, 4x3 की, तो ये किस जगह जाके, पहली बात ये बताओ ये एरर है या नहीं, ये एरर नहीं है। ये एरर क्यों नहीं है, क्योंकि बैक एंड पे जो उसने अरे रखी हुई है वो सिंगल डायमेंशन में रखी हुई है, और आप क्या कह रहे हैं कि इसकी 0 से इंडेक्स पे जाओ और उससे आगे 5 चले जाओ। ओके, तो ये मेरे ख्याल में फर्स्ट रो की आखिरी एंट्री के ऊपर जाके, यानी 0th रो फर्स्ट रो की आखिरी एंट्री पे जाके से चखवा लेगा। ओके, प्लीज टेक ए लुक एट इट व्हेन यू गो होम। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी एग्जाम्स में आएंगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। सो काइंडली टेक, ये जो क्विज है वो अच्छी तरह से आप ले लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप हार्ड कोडेड वैल्यूज यूज ना करें। हार्ड कोडेड वैल्यूज का मतलब क्या है, जिस तरह याद है कैपेसिटी का हमने वेरिएबल बना दिया था, बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी आप कैपेसिटी वगैरह के वेरिएबल बनाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हमने रोज और कॉलम के 2-2 वेरिएबल बनाए हैं, नींद आ रही है, कितनी गलत बात है, 2x2 की, और हमने कहा कि ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई है वो 2x2 साइज की है, और ये से और मैट्रिक्स बी भी बनाई है जो कि 2x2 साइज की है, और उनको क्या कर दिया और रिजल्ट बनाया जो कि 2x2 साइज का है, ठीक है? ये क्या कर रहा है बताएं मुझे, ये मैट्रिक्स इनपुट करवा रहा है, ठीक है? कितनी वैल्यू इनपुट करवाएगा, सॉरी 4 वैल्यूज इनपुट करवाएगा, नीचे वाला भी 4 वैल्यूज इनपुट करवाएगा, ये बस नहीं। और अगर मैंने 2 मैट्रिक्स को एड करना है तो क्या होना चाहिए, मैं हर रो की हर कॉलम पे जाऊंगा और जाके क्या करूंगा, ठीक है, आई विल एड दम अप, ठीक है? सो हर रिजल्ट में आर सी के ऊपर रख मांगूंगा जाके क्या, मैट्रिक्स ए का आर सी प्लस मैट्रिक्स बी का आर सी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और बाद में इसको सबको क्या किया हुआ है, हमने आउटपुट किया हुआ है, ठीक है? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस कोड, कैन यू सी ए प्रॉब्लम इन दिस कोड, यू शुड सी ए प्रॉब्लम इन दिस कोड जी, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस कोड? 3 ऐसी चीजें यहां पे लिखी हुई है जिसको एक जगह होना चाहिए, क्या ये कोड पूरा देख लो दोबारा से, मुझे 3 तो नहीं कहना चाहिए लेकिन नीचे इसको एक्चुअली ये जो आपका आप बाद है, बाद में देखिए कितनी लाइनों का कोड है ये, हाँ एक ही रूप में, नहीं नहीं ये बात है, ये बात नहीं, हमें पहले मैट्रिक्स 1 इनपुट करवानी है, फिर मैट्रिक्स 2 इनपुट करवानी है, और फिर उसका रिजल्ट कंप्यूट करना है, और फिर उसको डिस्प्ले करवाना है। तो अगर आप देखें तो इसमें 4 काम हो रहे हैं, क्या मैट्रिक्स ए इनपुट करवाओ, मैट्रिक्स बी इनपुट करवाओ, फिर उनका रिजल्ट कंप्यूट करो, फिर उनका रिजल्ट जो हमने निकाला है वो आउटपुट करो, यही है ना? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? ये काम 2 दफा हो रहा है, फिर 2 दफा नहीं होना चाहिए, क्यों 2 दफा होना चाहिए, इसको फंक्शन से रिप्लेस होना चाहिए। सो द वेरी राइट थिंग टू अंडरस्टैंड, जो पहला नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 2 डायमेंशनल सिंगल डायमेंशनल अरे को तो मैं फंक्शन में पास करना आता है, तो 2 डायमेंशनल अरे को फंक्शन में कैसे पास करते हैं, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, समझ आई? ठीक है, तो सवाल यह है कि 2 डायमेंशनल अरे को फंक्शन में कैसे भेजते हैं, ठीक है? अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं, एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग,
कि जो टू डायमेंशनल अरे है ये आपके सामने लगी हुई है ना, ये रहे, ये जो टू डायमेंशनल अरे है बैक एंड पे एज ए सिंगल डायमेंशनल अरे स्टोर होती है। मतलब ये फॉर एग्जांपल ये रोज है, रोज की कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहां पे कितनी वैल्यू दी हुई है, यहां पे कितनी वैल्यू है रोज की, फोर है, और ये भी फोर ही है, ठीक है, बट इट डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये रोज बाय फोर की एक अरे बनाई है, ठीक है। अच्छा बैकएंड पे क्या होता है, बैकएंड पे ये एक सिंगल डायमेंशन अरे में स्टोर होती है, ठीक है, बैकएंड पे ये सिंगल डायमेंशन अरे में स्टोर होती है। ऑलराइट, तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल ये है कि जो जीरो जीरो पे एलिमेंट पड़ा हुआ है वो जाके मैप होता है किसके ऊपर, वन पे। सो लेट मी ट्राई टू, सो दिस इज, लेट्स से कि ये कोई भी एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसको हम फिलहाल कह देते हैं फाइव बाय फोर की है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू इंजीनियर दैट फंक्शन। जो जीरो जीरो एंट्री है वो सिंगल डायमेंशन में किस जगह जाके स्टोर होती है, वो जाके स्टोर होती है किस पे, जीरो पे, ओके। जो जीरो वन एंट्री है वो कहां जाके स्टोर होती है, वो जाके वन पे स्टोर होती है, और जो जीरो टू एंट्री है वो कहां जाके स्टोर होती है जी बताएं, वो जाके टू पे स्टोर होगी, ठीक है। और जीरो थ्री एंट्री जाके कहां पे सेव होगी, ऑफ कोर्स जाके थ्री पे स्टोर होगी, ठीक है जी। वन जीरो किस पे जाके स्टोर होती है, ये जाके स्टोर होती है किस पे, फोर सेट पे। ये आपको यहां नजर भी आ रहा है, ये देख रहे हैं वन जीरो, फिर वन वन जो है वो किस पे जाके स्टोर होती है, वो फाइव पे होती है स्टोर, ठीक है। वन वन जो है वो जाके स्टोर होती है किस पे, फाइव। इसी तरह वन टू जो होगी वो किस पे स्टोर होगी जी बता दें, सिक्स पे। और वन जो थ्री होगी वो किस पे स्टोर होगी, सेवन जी। उसके बाद आया टू वन, टू जीरो वो जाके किससे स्टोर होगी, वो स्टोर होगी एट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कि अगर ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ये लेट्स से एम मैट्रिक्स है, इसकी ये रोज है और ये इसके कॉलम्स है, ठीक है, ये रोज है और कॉलम्स आपको दिए हुए हैं, ये नजर आ रहा सबको। और मैं आपको कहता हूं कि मैंने इसके आई यानी आर आई एथ एंट्री पे जाना है और जे सॉरी लेट्स से सी आई एथ एंट्री पे जाना है, यानी कि रो आई यानी आर एथ रो में जाओ और सी एथ कॉलम पे जाओ। सवाल ये है कि ये इसका कौन सा इंडेक्स होता है, ये सिंगल डायमेंशन अरे का कौन सा इंडेक्स होता है, दैट्स द क्वेश्चन। दिस कम्स आउट टू बी आर आई मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स प्लस सी आई। और अगर इसको आप गौर से देखें तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें रोज नहीं चाहिए, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर हमें कॉलम्स चाहिए। ये बात समझ आई? सो हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज, सो एक्चुअली यार ये क्या, आर यू लाइकिंग द बिल्ड, ठीक है जाए। सो एक चीज मैं मिस कर गया हूं, वो ये कि एक्चुअली इसके अंदर बेस एड्रेस ऐड होता है, ठीक है। बेस एड्रेस क्यों ऐड होता है, क्योंकि ऑफकोर्स इस बेस एड्रेस के रिलेटिव आपको इंडेक्स एक्सेस करने जा रहे हैं, तो ये एक्चुअली ये एड्रेस कंप्यूट होता है, डजंट मेक सेंस। ऑलराइट,
ऑल राइट सर, काइंडली कि आप ये स्लाइड देख लीजिएगा, ये बड़ी अच्छी बनी हुई है. बट लेट मी टॉक अबाउट दिस. आई होप एवरीबडी विल एप्रिशिएट, जब आप फंक्शन एक अरे आपने जब फंक्शन में भेजी थी तो आप उसमें साइज नहीं भेजते थे. क्यों नहीं साइज भेजते थे? क्यों? ताकि वो जनरलाइज हो जाए, है ना, ताकि वो जनरलाइज हो जाए. मैंने प्रिंट फंक्शन बनाना है जो कि अरे को प्रिंट करता है, वो 5 साइज का हो, 10 साइज का हो, 20 साइज का हो, 100 साइज का हो, डजंट मैटर. ठीक है, तो हमने एक ही फंक्शन बनाया हुआ है प्रिंट का, जो कि 10 साइज की अरे को भी प्रिंट कर देता है, 20 साइज की भी अरे को प्रिंट करता है, 1000 साइज की भी अरे को प्रिंट कर देता है. डजंट मेक सेंस? ठीक है, तो हमने एक ही प्रिंट बनाया होता है उनके लिए. ठीक है, और हम साइज एज डिफरेंट एज ए पैरामीटर भेज देते हैं. ठीक है, ऑलराइट, एज एन आर्गुमेंट भेज देते हैं, पैरामीटर रिसीव करते हैं. ठीक है, टू डायमेंशनल अरे में ऐसा नहीं कर, टू डायमेंशनल अरे के अंदर हां रोज कितनी है ये आप बेशक ना बताएं, रोज कितनी है ये आप बेशक ना बताएं, लेकिन कॉलम्स आपको बताने पड़ेंगे. कॉलम्स क्यों बताने पड़ेंगे? क्योंकि जब हम आप अरे का आर सी एस वैल्यू एंटर करेंगे तो बैक एंड पे उसने रखना जाके सिंगल डायमेंशनल अरे के अंदर, और वहां आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या था? आर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस सी. ओके, तो उसको इसीलिए कॉलम बताना जरूरी होता है. ये बात समझ? तो इसका मतलब है अगर आप एक प्रिंट फंक्शन बनाया है जो के एक 5x10 को प्रिंट करे, प्रिंट फंक्शन बनाना, एक 5x10 को प्रिंट करो और एक 5x20 को प्रिंट करो, तो आपको दो फंक्शन बनाना पड़े. ये सब समझ में आ गई क्या बात की? मैंने आपको दो अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. अगर आपने स्टैटिक साइज की बनानी, आपने कहना कि भाई ये एक 5x10 को प्रिंट करे, एक 5x20 को प्रिंट करे. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. अब इसका एक और तरीका भी होता है. ठीक है, और वो तरीका क्या होता है? भले चले फिलहाल फिर हम ये कर लेते हैं, दोबारा बात करते हैं. ठीक है, और बाय द वे दिस फंक्शन इज टेकिंग इफ स्ट्रीम रीडर एज ए पैरामीटर. और ये क्या होता है? ये बेसिकली फाइलिंग के लिए यूज होता है. अगर नहीं पता तो जाके पढ़े, पीछे वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ है. ठीक है, और आप बेसिकली सी इन की तरह इसको यूज करते हैं. ये बेसिकली इनपुट जो है वो कंसोल से लेने के बजाय फाइल से लेना शुरू कर देता. ठीक है, और अगर आप लोड टू डी अरे फ्रॉम कंसोल लेना चाहते हैं तो ये पैरामीटर ना भेजें और इसकी जगह क्या यूज कर लें? सी इन यूज कर लें. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बन गया और यहां आ गए. इसी तरह का प्रिंट फंक्शन है. प्रिंट फंक्शन में ये हमारा एक मैसेज है और ये हमारी 2D अरे है. यहां हमने मैक्स कॉलम लिख दिया. ठीक है, और यहां पर देखें हमने रोज और कॉलम भेज दिए. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आई हैव डन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? अब एक तरीका और हो सकता है. ये जो भी मैंने बात की थी कि टू डायमेंशनल अरे का मैंने प्रिंटर बनाना है जो 5x10 के लिए भी चले और 5x20 के लिए भी चले, है ना. अब एक तरीका और हो सकता है, और वो तरीका क्या हो सकता है कि मैं अरे जो बनाता हूं वो मैं 1000x1000 की बनाता हूं. ठीक है, और ये मेरा मैक्स कॉलम्स क्या है? ये मेरा एक कॉन्स्टेंट है जो मैंने ग्लोबली डिफाइन कर दिया. ये बात समझ? और एक्चुअली क्या करते हैं, हम जो अरे बनाते हैं वो 1000x1000 की बनाते हैं. ठीक है, और फंक्शन के अंदर भी हम वही भेजते हैं. लेकिन अब ये दो पैरामीटर हम साथ भेज देंगे, एक मिनट से 5 पड़ा हुआ, एक मिनट से 10 पड़ा हुआ. यानी कि उस पूरी 1000x1000 की अरे में से हम कितनी यूज करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ इतनी वाली यूज करेंगे. डज मेक सेंस? नहीं समझ आई तो किताब से जाके पढ़िएगा, इससे ज्यादा मैं और रिवीजन नहीं करा सकता. दिस इज द एग्जांपल एंड आई होप दिस विल मेक सेंस टू यू. इसमें क्या बनाया है? इसने मैक्स कॉलम रोज का एक वेरिएबल बनाया, तो 1000 से डिजाइन किया है, मैक्स कॉलम बनाया है. अब जहां भी ये फंक्शंस में भेजता है वहां पे मैक्स कॉलम मैक्स कॉलम देता है. ठीक है, लेकिन जो आपका मेन है इधर भी यही बनाता है, लेकिन जो लोड है जो कि मैट्रिक्स फाइल को रीड कर रहा है, यहां पर हमने एक रीडर बनाया जो मैट्रिक्स फाइल को रीड करता है. और मैट्रिक्स फाइल क्या है? मैट्रिक्स फाइल आपके सामने
यहाँ पे नजर आ रही है आपको, ठीक है। आपने अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड करना है। ये कितने में कितने की अरे है, फाइल मैट्रिक्स की अरे है, या फाइल बनाएंगे जाके matrix.txt जिसको आपने लोड करना है। ये फाइल है जो हम इसे लोड करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको लोड करवाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे हम CVV में आते हैं, यहाँ पे एक रीडर बनाते हैं, कहते हैं इस फाइल का रीड करो, ठीक है। और लोड फंक्शन में हम ये रीडर भेज देंगे, और रीडर हमने पहले ही बना दिया हुआ है, ठीक है। और कहां बनाया था, ये हमने यहां बनाया था। कोड यहां पे नजर नहीं आ रहा है, हमने इसको हाइड किया हुआ है, ठीक है। और प्रिंट टू डीबी आपको पता है, ठीक है। इस तरह कॉल होगा, ठीक है। उसे चलाएंगे तो आपकी मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लोड में आपको दोबारा दिखा देता हूं। लोड में आते के साथ ही सबसे पहले वो क्या रीड करेगा, ये कौन सा रोटर कॉलम है जितने उसने एक्चुअली रीड किए हैं। सो बनाई उसने 100x100 किए रहे हैं, लेकिन उसमें से वो कितने बार कितने की रीड कर रहा, 5x5 की रीड कर रहा, समझने का, ठीक है। तो अब जहां पर जिस तरह से हमने क्या किया था, कैपेसिटी साइज की बना दी थी, साइज को हमने लोड करवाया था, और फिर हमने क्या किया था, हमने हर जगह जो साइज वेरिएबल फिर यूज किया था, जाके कैपेसिटी को, ओके। बिल्कुल इसी तरह यहां पर हम क्या करेंगे, मैक्स कॉलम्स, मैक्स रोज की हम बना देंगे मैट्रिक्स, लेकिन यूज क्या करेंगे, ये वाली रोज और कॉलम यूज करेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस, कि ये रोज और कॉलम है ये कैसे पास हो रही है, बाय रेफरेंस पास हो रही है, ताकि इनके अंदर जो वैल्यूज एड हो वो नीचे सबकी जगह पर रिप्रेजेंटेशन में दिखाएं, ठीक है। शाबाश। सो दिस वॉज द रिवीजन। और बाय द वे, ये एक सिंटेक्स है जो मैंने आपको पहले शायद नहीं बताया था, बताया था ये हैश डिफाइन, बताया तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप बुक से जाकर थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है। ऑल राइट, सो हेयर इज द क्वेश्चन विच आई वॉन्ट यू टू, सो ऐसा करते हैं, किताब से नहीं करते हैं, हम खुद करते हैं। और टास्क क्या है, टास्क ये है कि मैंने एक फाइल बनानी है, एकदम मैं आपको बता देता हूं, दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा। ये फाइल कैसे ऐड करते हैं, यहां पे ऐड जाके करेंगे, यहां पे न्यू आइटम करेंगे, यहां पे यूटिलिटीज में जाएंगे, और यहां जाके टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट करेंगे, और यहां से आपने जो भी फाइल का नाम देना है, लेट्स से m.txt, m stand for matrix, ठीक है। और इस फाइल का नाम लेते हैं, लेट्स से मैं कहता हूं 5x4, और लेट्स से 1 2 3 4, जी 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1, ठीक है। कंट्रोल एस, सो इस फाइल को मैं रीड करना चाहता हूं, ठीक है। सो द वे टू रीड इट इज, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे हैश डिफाइन मैक्स रोज करते हैं, जिसको मैं लेट्स से 100 कह देता हूं, हैश डिफाइन मैक्स कॉलम्स कहूंगा, जिसको मैं 100 से डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। इंट मैट्रिक्स, यहां लिखता हूं मैं मैक्स रोज, और यहां लिखता हूं मैं मैक्स कॉलम्स, ठीक है। इज इक्वल टू, मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, और एक दो मैं इंटीजर बना लेता हूं रोज, और ये है जी कॉलम्स, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन है, इसका नाम है लोड मैट्रिक्स, और मैं क्या करता हूं यहां पे एक कॉन्स्ट कैरेक्टर फाइल नेम ले लेता हूं, जिसको मैंने ओपन करना है, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं मैट्रिक्स, सो एंट मैट्रिक्स, यहां पे पहली डायमेंशन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेकंड डायमेंशन मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, और अब मैं एंट एम परसेंट रोज लूंगा, और एंट एम परसेंट कॉलम्स लूंगा, ठीक है। सो पहला काम ये, मैंने जब फाइल को रीड करना है तो सबसे पहले मुझे फाइल रीडर बनाना पड़ता है, उसको बनाने के लिए मुझे इंक्लूड करनी पड़ती है एक फाइल,
इसका नाम होता है इंक्लूड एफ स्ट्रीम, और यहां जाके हम इफ स्ट्रीम का, इफ स्टैंड फॉर इनपुट फाइल स्ट्रीम, आप एक रीडर बनाते हैं और आप कहते हैं जी इसको यहां से ओपन करो, किससे ओपन करो, ये जो फाइल आपको पास हुई है इसको ओपन करो, ठीक है। और मेन में आपने क्या किया होगा, मेन में आपने क्या होगा, लोड मैट्रिक्स, और यहां हम कहेंगे जी कौन सी फाइल का नाम बनाया था हमने, मैट्रिक्स डॉट टीएक्सटी था, एम डॉट टीएक्सटी, ठीक है। और लोड किसमें करना है, इसमें करना है, और काइंडली इसके रोज और कॉलम्स भी लोड करते आना कि कितने लोड हुए थे, ठीक है। तो यहां पर हम आएंगे, यहां आते साथ ही पहले हम रीडर से को चेक करेंगे कि रीडिंग हो भी सकी है या नहीं हो सकी। सो इफ नॉट रीडर, इस लाइन का मतलब होता है कि फाइल भी ओपन हो सकी या नहीं हो सकी, तो फाइल का नाम अगर ये नहीं था, कोई और फाइल का नाम था, या कोई भी और वजह हो सकती है उसकी वजह से फाइल ओपन ना हो, तो ये यहां पर ये इस इफ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इफ नॉट रीडर का मतलब है रीडर नहीं बन सका, ठीक है। इफ रीडर का मतलब है रीडर बन गया, ठीक है। सो अगर रीडर नहीं बन सका तो उसका मतलब क्या है, सी आउट करा, फाइल कुड नॉट बी ओपन, फाइल कुड नॉट बी ओपन, और एक क्या करें यहां पे एग्जिट वन कर दें, ठीक है। एग्जिट वन एक फंक्शन होता है जो कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। क्योंकि भाई आप रीड लोडिंग ही नहीं हुई है तो फिर क्या करवाना है, काम करवाने का फायदा कोई नहीं, ठीक है। तो अब हम यहां पे अगर क्योंकि इसके बाहर अगर वो आया तो रीडिंग वो कर सकता है, हम रीडर में जाएंगे, सबसे पहले रोज रीड करेंगे, फिर हम कॉलम रीड करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, बल्कि मैं आर आई इज इक्वल टू जीरो कर देता हूं, आर आई इज लेस देन कितनी भाई, जितनी रोज है रीड की है, और यहां पे आर आई प्लस प्लस, फॉर लूप इंटीजर सी आई इज इक्वल टू जीरो, सी आई इज लेस देन, हां जी भाई, कॉलम्स सी आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहां पे हम करेंगे क्या, रीडर सी की जगह रीडर से रीड कर देंगे, और यहां करेंगे, यहां कहेंगे जी एम की आर एंट्री और सी आई एंट्री के अंदर लोड करवा लो, ठीक है। इसी तरह एक और बना लेंगे जिसका नाम होगा फंक्शन जी, एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं प्रिंट मैट्रिक्स, जिसके अंदर ये जो होगा वो एम परसेंटली पास नहीं हो रहा होगा, और ये भी मेरा एम परसेंटली पास नहीं हो रहा होगा, और ये फाइल नहीं होगा बल्कि मैसेज होगा, ठीक है। और अब मुझे कोई रीडिंग शीडिंग का काम नहीं करना, ऑल आई हैव टू डू इज जी सी आउट जी मैसेज, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाई, यहां पे लिखा रोज, इतनी इसकी रोज है, ठीक है जी, कितने कॉलम्स हैं, यहां से कॉलम उठाए, ठीक है। यहां पे ये लगाया इक्वल टू बैक स्लैश एन, ठीक है, बैक स्लैश एन आ गए, और यहां पे इसको करने के बजाय हम क्या कर देते हैं बेटा, सी आउट कर देते हैं। लेकिन सी आउट करने से पहले हम एक और काम भी कर देते हैं, यहां पर आने से फौरन पहले हम यहां पे सी आउट टैब कर देते हैं ताकि थोड़ी सी इंडेंट हुई नजर आए, और यहां पे क्या कर देते हैं, और यहां पे हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, और हर लाइन प्रिंट होने के बाद हम क्या कर देते हैं, एक एंगल कर देते हैं, तो हर लाइन थोड़ी सी आगे शिफ्ट हुई होगी। तो मैंने लोड मैट्रिक्स कर दी और मैंने एक दफा प्रिंट मैट्रिक्स कर दिया, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, यहां पे मैसेज हो जाएगा जी इसका नाम एम है, ठीक है, और इसमें आ जाएगा रोज, इसमें आ जाएगा कॉलम्स, ठीक है, और एम मैंने भेजा नहीं तो यहां पे एम भी आना चाहिए। So let's see कि ये रीड कर सकता है नहीं, so ये हमारी मैट्रिक्स बन गई है। देखिए आप थोड़ा सा ये माइनस वन होने की वजह से प्रॉब्लम है, तो हम एक काम और कर सकते हैं, वो ये कि यहां पे हम सेट डब्ल्यू कर दें, लेट्स से फाइव, ठीक है। सेट डब्ल्यू फाइव क्या होता है बेटा, जो उसकी विड्थ होती है वो फाइव सेट कर देता है, ठीक है। तो यहां पे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्या, आयो मैनेप, ठीक है, तो कंट्रोल एफ फाइव, तो चीजें जो है थोड़ी सी मैनेज नजर आएगी, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स है जो हमें नजर आ रही, ठीक है, इसका नाम है मैंने मैसेज दिया था, ओके। तो ये जो मैसेज है ये डबल कोट में नहीं होना चाहिए,
ठीक है। सो कंट्रोलर 5, ये हमारी मैट्रिक्स है डिस्प्ले हो गई, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात करके दिखाता हूं, अगर फॉर एग्जांपल फाइल में मैंने m.txt लिखा हुआ था, अब मैं गलत फाइल नेम दे देता हूं, या कोई भी और वजह हो सकती है, कंट्रोल एफ5 किया तो देखना क्या हुआ, क्या हुआ, फाइल कुड नॉट बी ओपन्ड और प्रोग्राम फाइल टर्मिनेट हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। चलें जी, अब हमने कुछ काम करना है, और काम ये करना है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी फाइल है, ये मैं -1 नहीं लिखता ताकि ये थोड़ा सा क्लीन हो जाए। सो व्हाट डू वी वांट टू डू, वी वांट टू डू द फॉलोइंग, हम इस मैट्रिक्स का कॉलम बाय कॉलम सम निकालना चाहते हैं, नहीं बात कॉलम बाय कॉलम सम निकालना चाहते, या ऐसे भी हो सकता है कि मैंने रो बाय रो सम निकालना, ये बात समझ। तो इमेजिन कि ये एक्सेल की शीट है, और फॉर एग्जांपल हर रो क्या पड़ी हुई है, इसके क्विज में इतने मार्क्स थे, इसके फाइनल में इतने मार्क्स थे, फलाने में इतने, हर एक की परसेंटेज पड़ी हुई है, ये बात समझ। और लेट्स से हर एक की परसेंटेज एक जितनी थी, और हम करना क्या चाहते हैं, इन सारों का सम निकालते हैं, इसका एग्रीगेट कितना बना, ये बात समझ। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो मैं हर एक रो का सम निकालना चाहता हूं, हर एक रो का सम निकालना चाहता, ठीक है। फिर होगा हर एक कॉलम का सम निकाल जाओ, ठीक है। तो पहले हम दोनों कर सकते, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये, और इसका नाम एम, इसका नाम एम लिखा हुआ, लेकिन ये एम नहीं है, ये बेसिकली क्या, ये रिकॉर्ड है। चलिए ऐसे कर जी। सो मेरा पहला सवाल ये है कि ये मैं रो बाय रो सम निकालना चाहता हूं, तो जो मेरा मुझे कोई और एक रो का सम निकालना है ना, तो कितनी रोज है, हा? फाइव तो नहीं होनी चाहिए, रोज है, ठीक है। डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस या नहीं, डजंट मेक सेंस, हाँ। चलो मुझे ये बता दो कि जो मेरी, जो मैंने रिजल्ट निकालना है, मैंने हर रो का सम निकालना है ना, तो मेरा सवाल ये है कि ये देखे जी, ये इसको मैं जानबूझ के थोड़ा सा यूं कर देता हूं, मेरा सवाल ये है कि मुझे एक्चुअली एक रिजल्ट निकालना है, उस एक रिजल्ट में कितनी वैल्यूज होंगी, रोज वैल्यू वैल्यूज होंगे, है ना। लेकिन इसका मैं अरे नहीं बना सकता, तो अरे मुझे कितने साइज की बनानी चाहिए, मैक्स रोज साइज की, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम इतनी हो सकती है, हाँ उसमें से मैं यूज कितनी करूंगा, जितनी मेरी रोज आई होंगी, ठीक है। तो मैं यहां पर एक रिजल्ट बना लेता हूं, इसका नाम रखता हूं आर्स, ठीक है, या मैं कहता हूं इसका नाम क्यों चाहिए, रो वाइज सम है ना, तो रो वाइज सम, ठीक है। ये मेरी अरे बनी है, इसका नाम क्या रखेंगे, हम रखेंगे मैक्स रोज, ठीक है। और इसको बेटा किससे इनिशियलाइज करवा देंगे, जीरो से इनिशियलाइज करवा देंगे, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है, उसके ऊपर कॉमा लगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस, ठीक है जी। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं रो बाय रो सम निकालना चाहता हूं, ठीक है। सो लेट्स राइट ए प्रोग्राम, राइट ए फंक्शन, इसका नाम है कंप्यूट, ओए क्या क्या निकलो बाहर यहां से, मुझे तुम लोगों पर ना वैसे ही बड़ा गुस्सा है, और मुझे और गुस्सा ना दिलाओ, तो मुझे बताए सामने क्या पड़ा हुआ, पूरी एक रो का सम पड़ा हुआ, जब ये पूरा पूरा ये लूप एग्जीक्यूट करके आएगा, तो ये एक आर आई इक्वल टू जीरो के लिए पूरी रो का सम इस सम में कैलकुलेट हो जाएगा। अब मुझे इसे रखवाना कहां पर है, मुझे रो वाइज सम के आर आई एंट्री पे जाके क्या रखवाना है, सम रखवाना, ठीक है। आई एक्चुअली डोंट लाइक इट, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये भी हो सकता है, लेकिन आई वुड प्रेफर यूजिंग आर एज ए सेपरेट वेरिएबल, ठीक है, या बल्कि आई एज ए सेपरेट वेरिएबल जिसकी वैल्यू जीरो है, और हर लूप के बाद आई भी प्लस प्लस होता है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इसको आई कर देता हूं। ये मैंने क्यों किया, क्यों बता सकता, आई प्रेफर यू डूइंग दिस, ठीक है, दोनों को ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आई को मैं अलग मेंटेन करूं, और आर आई जो कि मैट्रिक्स में ट्रेवर्सल कर रहा है वो एक अलग चीज है, डजंट मेक सेंस। तो मुझे ये इंटुएटिवली ज्यादा बेहतर लगता, ठीक है। आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते, आप इसको यहां पर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मुझे तो मसला नहीं, ठीक है।
बट आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट के दोनों डिफरेंट सोचे हैं, ठीक है, ठीक है। मैं इसमें तो हर एक रो का कंप्यूट होने के बाद मैं कहता हूं इस आईएस इंडेक्स में जाकर रखवा दो, ये बात समझ रहे, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ये निकाला है जी हमने रो वाइज सम, व्हाट इफ कि मैं कहूं कि मैंने कॉलम वाइज सम करना है, एक मिनट जी, एक मिनट, इसका नाम है रो वाइज और ये है जी कॉलम वाइज जी। पहले तो मुझे मेन में बताएं क्या चेंज होनी है, मुझे कॉलम वाइज सम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसका साइज कितना होगा, इसका मैक्स कॉलम साइज होगा, ठीक है। इसको मैं कैसे इनिशियलाइज करूंगा, जीरो से इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है। नाउ टेल मी, ये जो मैंने मैक्स कॉलम वाइज बनाया है इसका नाम ऑफ कोर्स रो वाइज नहीं होगा, कॉलम वाइज होगा, ठीक है। क्या चेंजेस करें, सॉरी आउटर लूप कॉलम की होगी, क्योंकि हमने फॉर ईच कॉलम जाना है, फॉर ईच कॉलम आई हैव टू गो टू ईच रो जाना है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, सो एक्चुअली ये लूप है, फ्लिप ओवर, मतलब ये कि ये वाला लूप लगेगा सी आई का, ये भी सी आई होगा, ये भी सी आई होगा और ये भी ये आई रहेगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे रोज लेस देन रोज की जगह यहां पे क्या हो जाएगा, लेस देन कॉलम्स, ठीक है। और हम यहां पर आ गए, ये आर आई होना चाहिए, ये रोज होना चाहिए, ये भी रो होना चाहिए, ये भी रो होना चाहिए, ठीक है। और ये हमने सामने निकाला, यहां पे कॉलम वाइज आई रखवा दिया, ठीक है। हाँ, जो इंडेक्सिंग है वो बिल्कुल वैसी ही होगी, ओके। सो फॉर ए फिक्स कॉलम जो कि जीरो है, आई एम चेंजिंग इन ईच रो, डज इट मेक सेंस। सो फॉर आई हैव फिक्स द कॉलम और अब मैं किस वाइज मूव कर रहा हूं, मैं रो वाइज मूव कर रहा हूं, डज इट मेक सेंस। और मैं इस कॉलम इंडेक्स पे जाके रखवा दूं, ठीक है। तो ये मेरा कॉलम वाइज सम, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई इश्यू तो बताएं, ठीक है। तो हमने रो वाइज सम भी निकाल लिया, कॉलम वाइज सम भी निकाल लिया, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसमें और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस टॉपिक में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स का, जी ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नहीं, देयर इज अ कैच, तो क्या मैं जाके लिखूं फॉर ईच, तो बेसिकली मुझे एक और मैट्रिक्स बनानी, मुझे एक और मैट्रिक्स बनानी, यही करना ना मैंने। अच्छा, सवाल है मेरा एक, क्या एक दो सवाल हो सकते हैं इसका। एक सवाल ये हो सकता है कि मैंने उसी मैट्रिक्स को उसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना, और एक है एक नई मैट्रिक्स बनानी। सवाल समझ आया, पहला सवाल ये है कि मैंने एक नई मैट्रिक्स बनानी है जो क्या हो, जो उसका ट्रांसपोज हो, ठीक है। उसमें तो हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स भेजेंगे वो दूसरी जो हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स भेजेंगे उसके रोज और कॉलम जो होंगे वो हमें बाय रेफरेंस भेजने पड़ेंगे। तो मुझे पहले तो ये बताया कि अगर इस तरह की हमें चीज बनानी हो तो मुझे उस फंक्शन के अंदर क्या क्या पैरामीटर भेजने पड़ेंगे, ये बताएं। सो वॉइड ट्रांसपोज, एक मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स भेजनी पड़ेगी, यहां पर लिखना पड़ेगा मैक्स कॉलम्स, ठीक है। यहां भेजने पड़ेंगे रोज, यहां भेजने पड़ेंगे क्या, कॉलम्स। बट दिस इज नॉट इनफ, अब सवाल यह कि हमने जो रिजल्टेंट भेजनी है वो भी एक मैट्रिक्स है, तो यहां पे होगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पर वही आएगा मैक्स कॉलम्स ही आएगा, ठीक है, ये बात समझ आई जी। यहां पर मुझे रोज इसकी जो है ट्रांसपोज रोज और ट्रांसपोज कॉलम्स मुझे क्या भेजने पड़ेंगे, बाय रेफरेंस भेजने पड़ेंगे। ये क्यों बाय रेफरेंस भेजने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं को तो मैंने इनिशियलाइज करना है, इन्हीं को तो मैंने इनिशियलाइज करना है। तो पहला काम क्या होना चाहिए अगर मैंने ये वाला फंक्शन बनाना, तो जी ट्रांसपोज रोज इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कॉलम के बराबर हो जाएगा जी। बल्कि नहीं, यहां पर मुझे दोबारा से वेरिएबल नहीं बनाना, इसी में ही चेंज करनी है जी। और क्या करना है, ट्रांसपोज कॉलम्स जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर रोज की होगी, ये बात समझना। सो नाउ व्हाट आई एम, सो इसके दो, इसके भी आप इसको भी कोड करने के दो तरीके हो सकते हैं।
कि जी हाँ जी किस में ट्रेवर्स करना है, क्या रिजल्टेंट मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करना है या मुझे इस मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करना है, आप बताएं। हाँ लेक्चर रिजल्टेंट कैसे बातें करना है, तो मैं यहां पे फॉर लूप लगाऊंगा, यहां पर लिखूंगा मैं इंट आर आई इज इक्वल टू जीरो, आर आई इज लेस देन ट्रांसपोज रोज एंड आर आई प्लस प्लस, ठीक है। यहां पर लिखा फॉर लूप इंटीजर सी आई इज इक्वल टू जीरो, सी आई इज लेस देन, हां जी क्या होगा ट्रांसपोज कॉलम्स सी आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहां लिखेंगे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स की आर आई सी आई पे जाके रखना है, रखना कौन सी एंट्री है, ओरिजिनल मैट्रिक्स की कौन सी एंट्री, सी आई आर आई, डजंट मेक सेंस, ठीक है। तो ये आ गया, क्या हो गया, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया, डजंट मेक सेंस, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। एक और सवाल, ये था एक्स्ट्रा मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी, व्हाट इफ कि मैं कहता हूं आपसे कि भाई ओरिजिनल नहीं जगह चेंज करो, मतलब ये कि ये पैरामीटर पास नहीं हुआ, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें ये दोनों पैरामीटर्स पास होंगे, ऐसी है ना, हम क्या करें, क्या ये कर दें, एक मिनट क्या ये कर दें, हाँ अच्छा आप में से कुछ कोई कह रहा है कि ऐसा करते हैं, इन दोनों वैल्यू को स्वैप कर देते हैं कि इसको और इसको जाके स्वैप कर देते हैं, और इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये हमारा रोज है और ये हमारा कॉलम्स है, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट कि इस लूप के एंड पे जाके हमने एक और स्वैप भी करना है, वो कौन सा स्वैप होगा, रोज और कॉलम्स, ठीक है। ये कोड गलत है, कुछ दस्ता क्यों, क्या इंडेक्सेस तो नीचे होंगे, फिर ये वैल्यू इधर आ रही है, ये वाली इधर जा रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ नहीं है, तो कन्वर्ट हो गए ना, हो गए ना, ये वाली वैल्यू उसमें कन्वर्ट हो गई, आप कॉपी कर लें, हाँ तो क्यों गलत होगी, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस कोड, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस कोड, सॉरी जीरो जीरो स्वैप होगा, जीरो 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 स्वैप हो जाएगा, डायगोनल से स्वैप हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, डायगोनल अपने आप से स्वैप होगा, कुछ नहीं होता, दो वैल्यूज एक ही वेरिएबल है वो अपने आप से स्वैप हो रहा है, कोई मसला नहीं, ये मसला हुआ। और मैं क्या बात किया, क्या नाम तुम्हारा, हाँ हिलाल ने कहा है 10 ने स्वैप होना है, जिससे 01 से, अब इस लूप और देखें, ये लूप चल रहा है, पहले 0 तो रो के लिए चलता है, फिर 1 तो रो के लिए चलता है, तो 01 जाके स्वैप हो रहा है 10 से, और 10 जाके दोबारा स्वैप होगा 01 से, ये बात समझ, क्या मसला होगा, मसला होगा वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, सो द प्रॉब्लम विद दिस कोड इज के इसको चलाने के बाद आपका क्या होगा, आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं कहता हूं एक सिंगल डायमेंशनल अरे है और मैं कहता हूं इसको रिवर्स कर दो, तो मैं कहता हूं कि एक लूप या एक आईएथ यहां से पकड़ता हूं और एक जेएथ को लास्ट पर रखता हूं, तो मैं कहता हूं इन दोनों को स्वैप कर दो, स्वैप हो जाएगा, होगा अगले को दोबारा स्वैप कर दो, स्वैप हो जाएगा, ये भी अगला भी स्वैप होता जाएगा, अगर मैं इस लूप को एंड तक पहुंचा दूं और इसको यहां तक ले आऊं तो होगा क्या, 0 वाला आखिरी वाला से स्वैप होगा, और जब ये वाला आखिरी पहुंचेगा तो ये वाला 0 पे पहुंचेगा और ये दोबारा स्वैप होगा, तो ये दो दफा स्वैप हो जाएगी, तो इसको कहां पर रोकना चाहिए, दरमियान पर रोक देना चाहिए, ये बात समझ, बिल्कुल इसी तरह इस मैट्रिक्स को भी हमें डायगोनल से नीचे नीचे चलाना चाहिए या ऊपर ऊपर चलाना चाहिए, मतलब कि यहां पर जब हम कॉलम लिख रहे हैं इसकी जगह आर आई लिखते हैं, मतलब ये कि ये 0 से शुरू करे भाई आर आई से नीचे नीचे रहेगा, यानी तो पहली रो में कोई स्वैप नहीं होना, सेकंड में नीचे वाली एक एंट्री जब उससे स्वैप होगी तो कुछ सही हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है, रीड द बुक, आई एम टेलिंग यू रीड द बुक, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। एक मैट्रिक्स, अच्छा एक सवाल है,
एक मैट्रिक्स में बताना कि एंट्री मैट्रिक्स आ गया नहीं है, कैसे निकालेंगे? एक मैट्रिक्स में बताना है कि एंट्री मैट्रिक्स आ गया नहीं, कैसे निकालेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? सॉरी, बस डायगनल वन हो, बाकी सारी जगह पे जो मर्जी हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो इसका पहले सिंपल सवाल करते हैं कि लेट्स से एक मैट्रिक्स बताओ, नल मैट्रिक्स है या नहीं, कैसे निकालेंगे? सॉरी, अगर सारी एंट्री जीरो है तो इसका मतलब है कोड कैसे करें? ये तो नहीं होगी ना, तो है ना ये? अच्छा बताएंगे ये गलत, हलाल ने गलत बताया, इसने कहा सम निकाले, अगर वो जीरो के बराबर आता है इसका मतलब है कि वो, हाँ जी, अगर एक वैल्यू वन पड़ी गई तो भी माइनस वन पड़ी गई तो गलत हो जाएगा, क्या कर दे किससे? तो यार नल मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करना आसान काम नहीं है, तो भाई फिर जानी तुम्हारी अभी। हाँ जी, हाँ इससे बेहतर तो हो सकता, दो नशे डूब लगाए चेक करें, अगर वो जीरो है तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर वो नॉन जीरो है तो फौरन ही लिख लो बार रिटर्न फॉल्स, बिल्कुल प्राइमलिटी चेकिंग की तरह, कि अगर वो डिवाइड नहीं होता हमें आगे चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो डिवाइड हो जाता है इमीडिएटली से नहीं अप्लाई, ठीक है? सो प्लीज रीड द बुक, इट्स टाइम ये सारी चीजें बड़ी तफसील बताई हुई है, ठीक है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट कोर्स लेसन। नाइस जी, दिस इज व्हाट वी वांट टू कंप्यूट, ये हमारा डायगनल नंबर वन है, ये हमारा डायगनल नंबर टू है, ये हमारा डायगनल नंबर थ्री है, ये हमारा डायगनल नंबर फोर है, ये डायगनल नंबर फाइव है, ये सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है, ये कंप्यूट करना है। सवाल सुनना है, सवाल सुनना है, ठीक है? एंड देन प्लीज रीड द बुक, इसमें कोई आठ तरह के तरीके बताए मैं, ठीक है? चलिए डायगनल के ऊपर मैं पहले जाता हूं, मैं आपको पहले सवाल बता दूं सवाल क्या है। लेट मी ट्राई टू, यार इसमें आपने वो नहीं किया था, पावर पॉइंट नहीं है इसमें, अच्छा एक सवाल सुन, पहले मैं ये बता देता हूं। इमेजिन करें कि आपके पास ना ये एक, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है? यहां पड़ा हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन। इस प्रोग्राम की ना आउटपुट बतानी है आपने, आपने एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो इस तरह चले, पहले आउटपुट करेंगे फिर आउटपुट करेंगे फिर आउटपुट करेंगे, समझ आ रही बात? ये लिए ऐसे चले, बात समझ आ रही? सो एक प्रोग्राम लिखना है जो कि इस अरे में ऐसे ट्रेवर्स करे, ठीक है? पहले आपको सवाल आप बता दो, फिर एक प्रोग्राम लिखना है जो के ऐसे ट्रेवर्स करे, फिर एक प्रोग्राम लिखना है जो कि शुरू ही जैसे वाला, इसका ही शुरू पॉइंट यहां से, इसका शुरू वाला पॉइंट है, अब एक प्रोग्राम लिखना है जो यहां से शुरू करे, इस तरह की आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं बहुत सारे ट्रेवर्सिंग बना सकता हूं, ये बात है ना? और आए एक लेसन है, एट तरह के ट्रेवर्सिंग लिखे होंगे, एट तरह के ट्रेवर्सिंग, टू डायमेंशनल वर्ल्ड है, मैंने और फिर एक और भी हो सकता है,
एक ट्रेवर्स का ऐसा हो सकता है कि ये मेरी मैट्रिक्स है, इसमें ट्रेवर्स करना है ऐसे, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ऐसे। बस नहीं तो एक ट्रेवर्स और है जो हमने पहले किया हुआ है, कौन सा वाला? ये वाला। कॉलम बाय कॉलम सम वाला, ठीक है। और ये ट्रेवर्सल भी हमने पहले किया हुआ, कौन सा वाला बेटा? ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये है रो वाइज वाला, ये वाला समझ, ठीक है। तो मैं आपको ना ये दिखाता हूं, वही खुल जा, ये देख लीजिए, वी नो दिस ट्रेवर्सल ऑलरेडी। एक प्रोग्राम है जो कि इस तरह दिखाए चले, ठीक है। एक प्रोग्राम है जो कि ऐसे चले, ठीक है। यहां से यू जाए, फिर यू जाए, फिर यू आए, फिर यू आए, ऐसे, ठीक है। ये कैसे करेंगे? तो अगर आप जीरोथ रो को देखें तो वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, वंथ रो देखें तो वो राइट टू लेफ्ट आ रही है, फिर अगर आप टूथ रो देखें तो वो दोबारा से लेफ्ट टू राइट जा रही है। सो ऑल यू हैव टू चेक इज कि इट इज ए इवन रो और ए ऑड रो, ये बात है। सो लुक एट दिस, सो अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं तो वो कोड ये तो नीचे ऊपर एनिमेशन आ रही है। सो एक्चुअली दिस इज हाउ इट इज, इफ इट इज, तो ये रोज का लूप लगा हुआ ऊपर और ये कहता है अगर रो आई मॉड टू डबल इक्वल टू जीरो, नींद आ रही है, अगर वो डबल इक्वल टू जीरो है इसका मतलब है कि वो इवन रो है। तो इस केस में हम जीरो से लेकर कॉलम तक जाते हैं, और अगर वो ऑड है तो हम कॉलम माइनस वन से शुरू करते हैं, कहां तक जाते हैं? जीरो तक जाते हैं, ठीक है। एंड दैट्स, और ये मैप मैप वर्ल्ड इज ए सिंगल डायमेंशन अरे जिसके अंदर जाके आप राइट करते हैं, ठीक है। ये टू डी वर्ल्ड को सिंगल डी वर्ल्ड के अंदर जाकर राइट करना है, लेकिन मैपिंग ऐसे होनी चाहिए, वो मैपिंग हमने दिखा दी, डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो अब मैं आपको एक, आई थिंक ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की जितने भी वेरिएंट्स हैं ये आप कर लेंगे, That's not, that will not be an issue. ठीक है, इसका मैं by the way, इसके अंदर काफी सारे हैं traversals. You should look at it. और बड़ी मेहनत हुई है इसके ऊपर. And you should look at them. ठीक है, आमतौर पर एक ही traversal करवाया जाता है और दूसरा traversal exam में पूछा जाता है. ठीक है, इस किताब में आपको हर तरह के traversals बताएगी. ठीक है, अब ये देखें जी, अब ये diagonal wise mapping है. ठीक है, सेलेक्ट है इस तरह ट्रेवर्सल करना जी, ये करना है फिर वो यहां आता है, ये करना है फिर वो यहां आता है, ये करना है फिर वो यहां आता है, फिर वो यहां आता है, ठीक है। ऑलराइट, हाउ विल यू डू दैट, दैट्स अ क्वेश्चन। ये सवाल आपके सामने जी, कैसे होना चाहिए? सो आई होप कि सबको आउटपुट समझ में आ रही है। पहले वन होगी, फिर फोर होगी, फिर टू होगी, फिर सेवन होगी, फिर फाइव होगी, फिर थ्री होगी, फिर एट होगी, फिर सिक्स होगी, फिर नाइन होगी, ठीक है। ये थ्री बाय थ्री का आउटपुट है, आउटपुट ये बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो सवाल ये कैसे करें जी? सो हियर इज व्हाट आई वांट यू टू डू, ये मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है, दैट्स द इजीएस्ट केस, यहां पे यू जाता है, फिर यहां से यू जाता है, फिर यहां से यू जाता है, फिर यहां से यू जाता है, ठीक है, फिर वो यहां से शुरू करता है, ठीक है। तो पहले हम ना इनकी बात करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, ठीक है।
तो ये जी डायगोनल वन प्रोजेक्शंस, ठीक है, इसको एक इंटीजर मैट्रिक्स मिलती है, इसकी ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैक्स कॉलम्स हमें बताने की जरूरत है, ठीक है, इसकी इंटीजर रोज हम इनपुट में लेंगे और पैरामीटर मिलेंगे और इंटीजर कॉलम्स भी हम पैरामीटर में लेंगे, ठीक है, और एक प्रोजेक्टेड वर्ड है जिसका नाम है इंटीजर एम पर, सॉरी एम पर नहीं, इंटीजर प्रोजेक्टेड वर्ड, ठीक है, ये एक सिंगल डायमेंशन अरे है और इंटीजर एक साइज है, ये भी हमने बाय रेफरेंस लिया हुआ कि प्रोजेक्टेड वर्ड का साइज कितना है। आई होप ये आपको पता है कि साइज जो होगा वो रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम होगा, ये बात समझ आई, समझ में नहीं आ रही तुम्हें, ये जो साइज है ये कितना होगा कि जितनी मेरी टू डायमेंशनल वर्ड में एंट्रीज है जितनी है रोज बाय कॉलम, ठीक है, ठीक है, चले तो पहले ना हम इन ये चार नहीं ये कितने डायगोनल होंगे जो कि बाद में इन सारे ये वाले डायगोनल हैं इनके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये हमेशा कहां शुरू होते हैं, हाँ कॉलम नंबर जीरो से शुरू होता है, अदर देन के हाफ के बाद जो आता है वो फिर डिफरेंट कॉलम से शुरू होता है ना। सो डू यू अग्री के पहले जितनी रोज है उतने जो डायगोनल है वो हमेशा जीरो से शुरू होते हैं, ठीक है, सो पहले जितने भी डायगोनल के बारे में बात करते हैं, सो फॉर ये देखा जाए जी आर आई इज इक्वल टू जीरो, बाय द वे इन डायगोनल्स को आप देखें तो पहला डायगोनल जीरो रो से शुरू होता है, दूसरा डायगोनल वन रो से शुरू होता है, तीसरा डायगोनल एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, सो आर आई इज इक्वल टू जीरो जी कितने डायगोनल्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं कितने डायगोनल्स ऐसे हैं जो कि सारे जीरो से शुरू होते हैं, जितने मेरी रोज है, सो आर आई इज लेस देन कितनी रोज, ठीक है जी। अब एक और बात सुन ले मेरी, अब एक और से मेरी बात सुनिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं इंटीजर, ये जो मेरी प्रोजेक्टेड वर्ल्ड है इसकी मैं का मैं एक ओवरऑल एक इंडेक्स बना रहा हूं जो किससे इनिशियलाइज हो रहा है, जीरो से इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है, बाय द वे इसको मैं ये मैं साइज इज इक्वल टू जीरो कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि हर एंट्री लिखने के बाद मुझे इस आई में क्या करना है कि इंक्रीमेंट करना है, तो शुरू में साइज को मैं जीरो कर दूं और जब हर एंट्री राइट होती है साइज में इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो ये ऐसे भी कर सकते जैसे आपको अच्छा लगे, आई प्रेफर दिस, ठीक है, ऑल राइट। और अब मैं एक बात करने लगा हूं कि डायगोनल वाइज कॉल जो असल में मूवमेंट हो रही है वो कॉलम की हो रही है ना जी, कॉलम हमेशा स्टार्ट किससे होता है, जीरो से, ठीक है, और मजे की बात यह है कि कॉलम अगर आप इसको देखें तो इधर जा रहे हो तो कॉलम इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, कॉलम हमेशा इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ में आ गई बात, सवाल यह है कितनी बार इंक्रीमेंट हो रहा है, जब तक के इसकी रो जीरो नहीं हो जाती। अच्छा मेरे आप देखें, मैं एक और बात बड़ी जरूरत पे कर रहा हूं, मैं यहां पर एक और वेरिएबल बना रहा हूं, ये देखें वो है इंटीजर डायगोनल रो इंडेक्स, और उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं किससे, आर आई से, ठीक है, पहली दफा डायगोनल रो इंडेक्स जब रो जीरो होती है तो जीरो से शुरू होता है, और दूसरी दफा जब डायगोनल रो जब रो होगी जब नंबर टू से शुरू होगा तो डायगोनल रो इंडेक्स होगा वो कहां शुरू होगा, वो वन से शुरू होगा और फिर टू से शुरू होगा फिर थ्री से शुरू होगा, मैंने इसको और आर आई को सेपरेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो उसमें तो चेंज होती जानी है, ठीक है, और हमें एक्चुअली जो डिक्रीमेंट करना है हर कॉलम को राइट करने के बाद उसमें एक्चुअली डायगोनल रो इंडेक्स में भी क्या करते जाना है, माइनस माइनस करते जाना है, ये बात है ना, यानी पहली वैल्यू ये राइट होनी है उसके बाद फिर ऊपर जाना है, जैसे यहां पे ये वाली एंट्री राइट होनी है फिर उसमें ऊपर जाना है फिर उसमें ऊपर जाना है, ऐसे जाना है, ये बात है ना, कब तक ऊपर जाना है, जब तक कि वो क्या ना हो जाए,
वो जीरो पे तो राइट होगा, डायगोनल रो इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हाउ मच, जीरो। ये बात समझ। और अब सवाल ये है, राइट करना है, राइट कैसे करेंगे? यहां पे हम लिखेंगे जी जो प्रोजेक्टेड वर्ल्ड है उसकी आईएफ एंट्री पे जाके रखो। क्या रखो? रखो मैट्रिक्स की, हां जी, डायगोनल रो एंट्री और ये वाला सी आई एंट्री जाके रखो। और डू नॉट फॉरगेट टू डू आई प्लस प्लस। ये आई प्लस प्लस आप चाहें तो इसके अंदर भी रख सकते, ठीक है? मुझे बताएं कितना क्वेश्चन राइट हो जाएगा इस पूरे कोर्स में? हाफ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन नीचे वाला पार्ट सारा पड़ा हुआ है, ठीक है? ये नहीं, और माधव है, आप मुझे सिर्फ ये बताएं ये कौन सा कॉलम बनता है? फर्स्ट कॉलम बनता है, जीरो कॉलम नहीं बनता। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये जो लूप चलेगा ये एक्चुअली कॉलम से शुरू होगा। और कौन से कॉलम से शुरू होगा? ये शुरू होगा फर्स्ट कॉलम से, ओके? और सी, डू नॉट फॉरगेट के सी आई में इंक्रीमेंट हो जाना है। क्यों इंक्रीमेंट हो जाना है? क्योंकि पहली दफा ये वंश कॉलम से शुरू होगा, अगली दफा ये सेकेंड कॉलम से शुरू होगा, थर्ड कॉलम शुरू होगा, एंड सो ऑन। ये बात समझ, ठीक है जी? कहां तक जाना है? ऑफ कोर्स सी आई शुड बी लेस देन हाउ मच, जितने मेरे कॉलम्स हैं, ठीक है? आखिरी कॉलम के अलावा माइनस वन तक जाना है, ठीक है? और अब अगर आप गौर से देखें तो अब जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो रो हो रहा है, ठीक है? सो यहां पर जो लूप लगना है वो कौन सा लगना है? वो लगना है आर आई का, जो कि किससे शुरू होता है? वो शुरू होता है रोज से, नहीं, रोज माइनस वन से, हमेशा आखिरी रो से शुरू होता है। हर डायगोनल कहां से शुरू होता है? आखिरी रो से शुरू होता है, ठीक है? ये डायगोनल भी आखिरी रो से शुरू होगा, ये डायगोनल भी आखिरी रो से शुरू होगा, ये डायगोनल से शुरू होगा, हर डायगोनल ही आखिरी रो से शुरू होगा, ठीक है? तो यह आएगा रोज माइनस वन। और यहां क्या आएगा? यहां आएगा आर आई क्या बटा होगा? माइनस माइनस होगा। ये बात सुनाई? और अब सवाल कुछ और है, बताएं, अब आप बताएं क्या होना चाहिए? सॉरी, अब हमारे कॉलम में क्या होना है? जब वो ऊपर जा रहा होता है तो कॉलम में क्या करना होता है? इंक्रीमेंट कर रहा होता है। तो हमें यहां पर भी एक काम करना है, क्या करना है? डायगोनल कॉलम इंडेक्स बनाना है, जो कहां से शुरू होता है? वन से शुरू होता है, वन से नहीं, सी आई से शुरू होता है। और ये क्या करेगा? ये लिखेगा क्या के प्रोजेक्टेड वर्ल्ड की आईएथ इंडेक्स पे जाके रखो। क्या रखो? मैप, जो जो एक्चुअल वर्ल्ड है उसका क्या? उसका डीआरआई, सॉरी डीआरआई नहीं, ये आरआई है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आरआई, और क्या हो जाएगा? डीसीआई हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, ठीक है? और क्या होना चाहिए? डी, और बाय द वे डू नॉट फॉरगेट टू टू डिक्रीज, यानी डीसी डीसी आई क्या? प्लस प्लस, ठीक है? और इसे कहां तक जाना है? जब तक ये वो क्या ना हो जाए, डीसी आई इज लेस देन क्या? कॉलम्स, ठीक है? क्योंकि ये देखो ना, ये ऊपर जा रहा है ना, कब ये यहां तक जाकर रुकेगा? इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? कब होगा? जब कॉलम के ऊपर जो है वो एंट्री हो जाएगी, ठीक है? तो डीसी आई शुड बी लेस देन कॉलम्स, ठीक है? We are done with project in the world. ठीक है? Does it make sense? आपके final exam में, आपके midterm exam में एक सवाल इसके बारे में होगा, ठीक है? ठीक है? ये जितने भी सेक्शन मैंने करवाए हैं ये सारे जाके अभी कर लें, ठीक है? ठीक है, कल आपका ट्यूटोरियल सेशन लेता हूं मैं, आज नहीं लेता हूं, ठीक है? और मैं आपको बता रहा हूं जो अगली गेम है जो कि है गोमू को, ठीक है? और गोमू को गेम क्या है मैं बताता हूं। काइंडली जाके खेले भी सही, इट्स अ जैपनीज वर्जन ऑफ टिक टैक टो। किसी ने खेली है टिक टैक टो? क्या होती है ना, 3x3 विंडो होती है, ये 3x3 नहीं होती, एक मिनट दे दो, सिर्फ एक, ठीक?
इसमें होता क्या है कि इसमें मतलब हम भी कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बनाएंगे, ठीक है। और इसमें बेसिकली होता ही है कि इट्स ए 19x19 ग्रिड, इट्स ए 19x19 ग्रिड। और इसमें करना क्या होता है कि ना ऑफकोर्स दो प्लेयर्स हैं, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, तो वही आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स ले लेंगे। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिया कंप्यूटर ने, यह सिंबल लिया, ठीक है। जो पहले 5 बनाएगा ना वो जीत जाएगा। और वो 5 किस तरह हो सकते हैं, वो डायगोनली भी हो सकते हैं, वर्टिकली भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं। ये बात समझा? सो फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, मैंने ये बनाया, इसने ये, मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया, इसने फौरन मुझे 4 बनाने से रोका है, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया, इसने फौरन किया। और वाला अब अगर मैं इसको ना रोकू ना तो ये जीत जाएगा। अगर मैंने यहां पे या यहां पे ना लगाया ना, तो मैं कहीं पर भी लगाऊंगा ना तो वो यहां लगाएगा। फिर क्या हुआ, मैं इसे यहां पे रोकूंगा तो वो वहां पे एक्सटेंड कर लेगा। ये बात सुनाई? तो ये कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन हम कैसे बनाएंगे, दैट्स ए मास्टर स्ट्रोक टू लिखो आर्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास इज ऑल अबाउट 2-dimensional arrays इन गेम्स, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Yeah.